हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एबीबीएस क्लासेस में, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1.4, चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 11th केमिस्ट्री। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डेट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन, आपसे कह रहा है कि कितना अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड आपका प्रोड्यूस होगा जब हमारा 1 मोल कार्बन अगर आपका जलेगा एयर में, 1 मोल कार्बन जलेगा 16 ग्राम डाइऑक्सीजन के साथ और 2 मोल कार्बन जलेगा 16 ग्राम डाइऑक्सीजन के साथ। अब ऐसी कंडीशन में आपके पास तीन आपको कंडीशंस दे रखी हैं और तीन कंडीशन में आपको सही उत्तर निकालना है, तो कैसे करेंगे ऐसे स्थिति में आप सवाल। तो ऐसी स्थिति में सवाल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, एक बैलेंस रिएक्शन चाहिए होगी जब आपका कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो आइए पहले बैलेंस रिएक्शन लिखते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपकी एक बैलेंस रिएक्शन है जहाँ पे अगर हम बैलेंसिंग के फैक्टर से निकालें कि क्या क्या वैल्यू आपकी आ रही है, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि 1 मोल अगर हमारे पास कार्बन है तो 1 ही मोल आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, 1 ही मोल आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और इसमें 1 मोल आपका ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है। इस बैलेंस रिएक्शन से हमें ये पता चल रहा है। और क्या पता चल रहा है, देखो अगर हम इसमें मास की कैलकुलेशन करें तो 1 मोल यहाँ पे इसका मास कितना होता है 12 ग्राम, इसका मास कितना हो जाएगा बेटा 32 ग्राम, और इस बैलेंसिंग से यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा 44 ग्राम। तो सवाल तो आपको यहाँ से डेटा से क्लियर हो जाएगा। पहला सवाल आपसे कह रहा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न इन एयर, आपको ऑक्सीजन के बारे में कुछ नहीं दे रखा, केवल कार्बन दे रखा है 1 मोल। तो यहाँ से वैलेंसिंग से पता चल रहा है 1 मोल कार्बन से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड आंसर आ जाएगा। दूसरा आपसे कह रहा है कि 1 मोल कार्बन इज़ बर्न इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में आपका कितना आपका अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो इसके लिए क्या करोगे आप मोल्स निकालोगे, मोल्स ऑफ O2, तो यह हो जाएगा 16 / 32, डेट इज़ इक्वल टू हाफ, और यही हमारा क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। लिमिटिंग मतलब जो बैलेंसिंग से कम होता है वो आपका लिमिटिंग हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन डिपेंड, किस पे डिपेंड करेगी, ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं किस तरीके से 1 मोल से कितना मिलता था, 1 मोल से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, तो अभी हमारे पास कितना है 1/2 मोल है, तो 1/2 मोल से हमको कितना मिल जाएगा 1/2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट आपसे कह रहा है कि 2 मोल ऑफ कार्बन बर्न इन 16 ग्राम डाइऑक्सीजन, फिर से ध्यान से देखिएगा 16 ग्राम मतलब 1/2 मोल हो जाएंगे, 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन वही वाला है, तो यहाँ पे फिर से ये क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। LR लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इसको भी क्या लिख देता हूँ LR लिख देता हूँ लिमिटिंग रिएजेंट, तो यहाँ पे भी जो आपका आंसर आएगा वो भी क्या आएगा 1/2 ऑफ ऑक्सीजन आएगा। तो ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड का आंसर अगर हम निकालेंगे तो ये भी आपका क्या आ जाएगा 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1/2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उम्मीद है कि ये जो डेटा आपका लिखा हुआ है इस डेटा से आपको क्लैरिटी हो गई होगी, एक बार देख लीजिए स्क्रीन और आपको क्लैरिटी समझ में आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।